हेलो एवरीवन, बच्चों आज हम 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मनी के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 13। वंस वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बच्चों, आपको थरली समझ जाएगा दैट एग्जैक्टली पेपर में आपको कैसे आंसर्स लिखने होते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। ओके, सो लेट्स ओपन पेज नंबर 13 फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले क्या है, कंप्लीट द कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में क्या होता है, यू आर गिवन फोर वर्ड्स। ऑलराइट, तो पहले दो जो टर्म्स है उनका जो कनेक्शन है दैट हैज टू बी द कोरिलेशन बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म। या तो थर्ड टर्म ब्लैंक होगी या फोर्थ ब्लैंक होगी। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वन। सी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो डैश इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे देखे थे फंक्शंस ऑफ मनी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, दिस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ओके, मुझे यहाँ पे जगह नहीं थी मुझे, लेकिन आपको इस तरह से प्रॉपर लिखना है। ऑलराइट, यू आर गोइंग टू राइट फर्स्ट टर्म इज टू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज टू फोर्थ टर्म, ऐसा पूरा लिखोगे एंड ये जो थर्ड टर्म है उसको आपको बस अंडरलाइन कर देना है। ओके, दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट इन योर पेपर, गेटिंग इट? ऑलराइट, नेक्स्ट। अभी फर्स्ट हमें दिया नहीं गया है, फर्स्ट इज टू बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ये सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, तो बेसिस ऑफ क्रेडिट ये कौन सा वाला फंक्शन है? जिसने फंक्शंस ऑफ मनी का लेक्चर देखा है उसे ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, दिस इज अ कॉन्टिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी, तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा कॉन्टिंजेंट। ऑलराइट, आगे, कमोडिटी मनी इज टू शेल्स। ओके, सो डैश इज टू क्रेडिट कार्ड। अभी शेल्स ये कमोडिटी मनी में आते हैं, तो क्रेडिट कार्ड व्हाट इज द टाइप ऑफ मनी, याद करिए एवोल्यूशन ऑफ मनी, बहुत सारे स्टेजेस हमने देखे थे, दिस इज प्लास्टिक मनी। सो क्रेडिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी, राइट? फोर्थ, डिविजिबिलिटी इज स्मॉलर डिनोमिनेशन, सो डैश इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, मनी जब हम बोलते हैं इट इज डिविजिबल, मतलब हम छोटे छोटे डिनोमिनेशन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलू मैं मनी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकती हूँ, इसे एक टर्म में अगर मुझे बोलना है तो व्हाट इज द टर्म दैट आई यूज हियर, दैट इज नोन एज पोर्टेबिलिटी। सी, पी ओ आर टी ए बी आई एल आई टी वाई, दिस इज पोर्टेबिलिटी। एंड लास्ट, बाटर सिस्टम इज गुड्स, मतलब बाटर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स वर यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मॉडर्न इकोनॉमी में क्या होता है, मॉडर्न इकोनॉमी व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी। सिंपल, नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। बच्चों, व्हेन यू ऑल आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, रिमेंबर दिस दैट एक सही आंसर अगर आपने दिया, यू विल हार्डली नीड 15 सेकेंड्स टू हाफ अ मिनट टू राइट दिस आंसर, और आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, इसका ही ऑपोजिट, अगर आपने सिली मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा 1 मार्क जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। सो प्लीज एंश्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड ट्राई टू रिकलेक्ट। ओके, हड़बड़ी में जल्दी से पेपर खत्म करने के चक्कर में आपको यहाँ पे जो हाथ के आपके मार्क्स है वो नहीं गवाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, क्या कहते हैं हम इसे, गुड्स फॉर गुड्स, दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। प्रोविजन फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन द फ्यूचर, क्या कहते हैं हम इसे, फ्यूचर में अगर हम किसी को पेमेंट कर पाए उसे हम कहते हैं डिफर्ड पेमेंट्स, राइट? जो बार्टर सिस्टम में हम नहीं कर पाते थे, डिफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट, सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स, दिस सिस्टम इज मॉडर्न इकोनॉमी या मॉडर्न सिस्टम। नेक्स्ट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल, हम ये यूज करते हैं बहुत ज्यादा,
जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बैंक के डिपॉजिट ट्रांसफर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चेक, या फिर उसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट. दीज आर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम डिपॉजिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक. राइट. नेक्स्ट, मॉनेटरी वैल्यू स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय मींस ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और सर्वर्स. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मनी या फिर ई मनी. एंड लास्ट, मनी नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट, इसे हम कहते हैं ब्लैक मनी. गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी. अब मनी, जो इवोल्यूशन ऑफ मनी वाला लेक्चर हमने देखा है, वहां पे हमने ये डिटेल में देखा था बच्चों. तो सबसे पहले व्हाट वाज द मनी दैट वाज इन्वेंटेड? सबसे पहले था एनिमल मनी. राइट. उसके बाद देर वर सर्टन डिफिकल्टीज इन एनिमल मनी, जिसके वजह से देर वॉज एन इन्वेंशन ऑफ कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी के कुछ लिमिटेशन थे जिसके वजह से इजाद हुआ मेटालिक मनी का. एंड आफ्टर दैट द मेटालिक कॉइन्स. तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा बी डी ए एंड सी. अब इस ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? लेट अस सी. द सेकेंड ऑप्शन बी डी ए सी. ओके. नेक्स्ट, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन. अगेन, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रेडिट मनी. तो सबसे पहले आया, इन चारों में सबसे पहले आया पेपर मनी. पेपर मनी के बाद आया क्रेडिट मनी. ओके, बैंक में जो मनी हम रखते हैं दैट इज क्रेडिट मनी. उसके बाद आया प्लास्टिक मनी दैट इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. एंड लास्ट में आया ई मनी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी डी ए सी. अगेन, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1. चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस. तो सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, हमें एक्सप्लेन भी करना है कि बाबा ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों है यहाँ पे. फर्स्ट वन, वसंत सेठ प्रोवाइड्स कोल फ्रॉम हिज शॉप टू फार्मर्स इन एक्सचेंज फॉर फूड ग्रेन्स. तो क्या हो रहा है? फार्मर्स से वो फूड ग्रेन्स ले रहा है और बदले में वो कोल दे रहा है. मतलब यहाँ पे गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स. तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? दिस इज बार्टर सिस्टम. व्हाई? बिकॉज गुड्स हैव बीन एक्सचेंज फॉर गुड्स. तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट कॉन्सेप्ट? बार्टर सिस्टम. एंड नीचे आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन. व्हाई? बिकॉज बार्टर सिस्टम में गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड इन दिस ट्रांजेक्शन एज वेल वसंत सेठ इज एक्सचेंजिंग कोल फॉर फूड ग्रेन्स. That is why this is an example of barter system. This is how you have to write it. Okay? Point wise लिखना है आपको, essay writing नहीं करना है. Point to point आपको answer लिखना है. Okay? So that the examiner also finds it easy to correct your papers. Okay? Next, Baban Rao deposits his money in a nationalized bank. अब ये कौन सा है? Money में this is bank money. जब हम bank में पैसा रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? Bank money. Right? So what are you going to write? Concept? Bank money. उसके नीचे आप लिखोगे explanation. Number one, what is bank money? When cash is deposited into the bank, bank money is created. Right? So bank money या तो current account में हो सकता है या savings account में होगा. In this transaction, Baban Rao has deposited money in nationalized bank. Hence, this is an example of bank money. Simple? Always remember, ऐसे जो statements होते हैं, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट लिखना है एंड एक्सप्लेनेशन जब आप करोगे तो लास्ट लाइन जो आपकी एक्सप्लेनेशन की होगी, जो लास्ट पॉइंट होगा, दैट इज ऑलवेज दिस. जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको रिपीट करना है. दैट ओके, सो इन दिस ट्रांजैक्शन बबन राव हैज डिपॉजिटेड मनी व्हिच क्रिएट्स बैंक मनी. ठीक है. नेक्स्ट, चारू यूज्ड हर डेबिट कार्ड टू परचेज अ शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर. डेबिट कार्ड का यूज हुआ है. डेबिट कार्ड क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी. तो देखो आपको ये कैसे लिखना है. लेट अस सी, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. कॉन्सेप्ट, सी कॉन्सेप्ट, प्लास्टिक मनी. उसके नीचे आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन. ओके, नंबर वन, सी ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजैक्शंस गेन्ड इंपॉर्टेंस
इट रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक मनी. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो गया तो कैशलेस ट्रांजेक्शन होने लग गए, है ना, तो दैट इज वाई प्लास्टिक मनी का इजाद हुआ. एंड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज एज प्लास्टिक मनी. यहाँ पे क्योंकि डेबिट कार्ड यूज हुआ है, दैट इज वाई लास्ट लाइन देखो हमें वही लिखना है, चारू मेड यूज ऑफ डेबिट कार्ड, हेंस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक मनी. गेटिंग इट? इस तरह आपको लिखना है बच्चों, मैं गारंटी देती हूँ आपको पूरे मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता है. ओके, एवरी टाइम इफ यू राइट पॉइंट वाइज लाइक दिस, क्रिस्प एंड क्लियर आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि ओके दिस पर्टिकुलर चाइल्ड हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. ओके, ऐसे राइटिंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. पॉइंट वाइज लिखो लेकिन बराबर से टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है. यू नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश. ओके, नेक्स्ट. Malti purchased a house through an agent. The agent accepted the commission amount in cash, but did not issue a receipt to her. Agent ने पैसे तो लिए लेकिन बदले में receipt नहीं दी. अब बच्चों याद करिए, जब भी हम कहीं पे भी कोई भी चीज लेने जाते हैं और हम उसके बदले में जब पैसे देते हैं तो दुकानदार हमें क्या देता है, शॉपकीपर हमें क्या देता है, उसके बदले में हमें एक बिल मिलता है, हमें एक रिसीट मिलती है, कोई इनवॉइस मिलता है, रिसीट सम ऑर द अदर काइंड ऑफ प्रूफ, राइट, जिसके बदले में हम पैसे दे रहे हैं. अब वो जो प्रूफ होता है व्हाट इज दैट, वो जो शॉपकीपर है जिससे हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं उसके लिए वो क्या है, वो उसका इनकम हो गया. सो ही हैज टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस बिकॉज उसने हमें एक रिसीट इशू किया है, राइट. लेकिन अगर उसने वो रिसीट इशू नहीं किया, इसका मतलब शायद वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा. अगर रिसीट ही नहीं इशू हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन है ना, तो प्रूफ ही क्या है कि पैसा मिला है, इसका मतलब ये अनअकाउंटेड इनकम हो जाएगा. और अगर अनअकाउंटेड इनकम है तो क्या कहते हैं हम इसे, हम इसे कहते हैं बच्चों ब्लैक मनी. दैट इज वाई वी ऑलवेज स्ट्रेस दैट व्हेनेवर वी गो आउट एंड वी आर पेइंग समथिंग, तो बदले में उसकी रिसीट आपको जरूर लेनी है. वाई? बिकॉज अगर उसने आपको रिसीट नहीं दी है, जो भी पर्सन है, शॉपकीपर है, आप मॉल्स में जाओ, कहीं पे भी, अगर उसने आपको रिसीट नहीं दी, इसका मतलब दैट इनकम विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर. और अगर उसका अकाउंटिंग ही नहीं हुआ तो उस पर टैक्स तो पे ही नहीं होगा. दैट इज वाई दैट विल बी ब्लैक मनी. ओके, तो देखो कैसे लिखना है आपको. कॉन्सेप्ट ब्लैक मनी. एक्सप्लेनेशन, ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड. दो चीजें होती है. ओके, कैश में मिला है जिसके वजह से अकाउंटिंग नहीं होता, और अकाउंटिंग नहीं हुआ तो टैक्स पेमेंट नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं ब्लैक मनी. In this case, agent accepted the commission amount in cash from Malti. However, he did not issue any receipt indicating, उसे receipt नहीं दी, ये दर्शाता है that he will not account for this money. अगर वो receipt दे देता तो उसको उसका accounting करना पड़ता books of accounts में. Why? Because otherwise his chartered accountant would have questioned him that बाबा ये तो receipt दिख रही है, आपने books में कैसे नहीं दिखाया, है ना. जो ऑडिटिंग हम करते हैं वो यही होता है दैट वी आर गोइंग टू मैच ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन यहाँ पे उसने अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया है, कोई रिसीट ही नहीं दिया है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि उसे कुछ पैसा मिला. तो इन अदर वर्ड्स द एजेंट वोंट पे एनी टैक्स ऑन द अमाउंट ही रिसीव्ड एज कमीशन. हेंस द गिवन इलस्ट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक मनी. गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. To prevent misuse or fraudulent use of national currency, a note ban is imposed on its use at certain times. देखो कुछ ही साल पहले इंडिया में भी हुआ था बच्चों, इस नोट बैन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन. तो कैसे लिखना है आपको यह आंसर, लेट अस सी. कॉन्सेप्ट डीमोनेटाइजेशन. एक्सप्लेनेशन, ब्लैक मनी क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे हमने ऊपर देखा, अगर रिसीट इश्यू नहीं हुए तो जो पैसा है वो क्या होगा, दैट इज ब्लैक मनी. और ब्लैक मनी जितना जनरेट होता है उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल आता है, बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, और अगर टैक्स नहीं मिला तो कैसे चलेगी कंट्री, है ना. टू कंट्रोल ब्लैक मनी, डीमोनेटाइजेशन इज वन ऑफ द टूल्स अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज. डीमोनेटाइजेशन रिफर्स टू, अभी डीमोनेटाइजेशन क्या है ये भी आपको लिखना जरूरी है. इट रिफर्स टू विदड्रॉवल ऑफ अ करेंसी
कॉइन और नोट फ्रॉम यूज एज लीगल टेंडर. मतलब ये बोला जाएगा कि भाई इतने दिनों के बाद ये वाला जो नोट है, जैसे हमने कुछ सालों पहले देखा जो 100 रुपीज के हमारे नोट्स थे, जो 500 के थे, सब कुछ जो टेंडर है वो बदल ही दिया पूरा. तो जो पुराने नोट्स है जिनके पास बहुत सारा होल्ड करके रखा होगा ब्लैक मनी, तो वो तो यूजलेस हो जाएगा ना. That is the reason ये demonetization किया जाता है, ताकि जिनके पास इस तरह से कैश पड़ा हुआ है बहुत सारा पैसा, वो पैसे की वैल्यू जीरो हो जाएगी. They will be forced to pay tax अगर उनको वो पैसे के बदले में नए नोट्स चाहिए तो, बिकॉज अगर नए नोट्स चाहिए तो आपको वो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ दिस ब्लैक मनी इज कॉट बिकॉज ऑफ डिमोनिटाइजेशन, राइट. सो अ नोट बैन रिफर्स टू प्रोहिबिशन of use of the currency as legal tender. Thus, the given illustration refers to demonetization. Getting it? आपको समझ में आया किस तरह से आपको ये वाले questions को attempt करना है? Okay, चलो अगला question क्या है? Let us see. Question number 5. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. First one. There are no difficulties in the barter system. Bataiye whether you agree with the statement or not. Of course, you do not agree, right? So what are you going to write? I disagree with this statement. And reasons, because there are many difficulties in the barter system. Hamara sabse pehla lecture is chapter ka tha, difficulties in barter system. And I had also given you all a code for it. Jisne wo wala lecture dekha hai, use ye answer aayega. Wo hamara code kya tha? Short code yaad kariye. That was CM SID, okay? वहां पे बहुत सारे हमने देखे difficulties है, जैसे indivisibility है, deferred payments आप नहीं कर सकते हो, store नहीं कर सकते हो value को, right? So many difficulties were faced in the barter system. Hence, I disagree with this statement. इस तरह आपको लिखना है, okay? Next, there are many good qualities found in modern currency. Are there good qualities in modern currency? Yes. So you have to write, I agree with this statement. What are the good qualities? वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. इसके लिए भी हमने एक शॉर्ट कोड देखा था, याद करिए क्या था शॉर्ट कोड. अगर किसी को शॉर्ट कोड याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैंने आपको क्या शॉर्ट कोड दिया था यहाँ पे. क्वालिटीज ऑफ मनी वाले लेक्चर में हमने देखे थे बहुत सारे क्वालिटीज है मनी में, जैसे इट कैन स्टोर वैल्यू, फ्यूचर पेमेंट हो सकते हैं, होमोजेनिटी है, देयर आर सो मेनी क्वालिटीज. वो सब यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी. अगेन इसके लिए एक लेक्चर देखा था हमने, जहां पे हमने देखे थे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी, राइट. व्हाट आर द फंक्शंस? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टिंजेंट फंक्शंस. और वो जो फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं ब्रीफ में, ओके. सो मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी, ये यू अग्री विद द स्टेटमेंट. एंड लास्ट, मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस. इज दिस राइट? यस इट इज. तो यहाँ पे आपको लिखना है आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट. एंड रीजंस के लिए देखिए इस तरह आपको रीजंस लिखने हैं. सी, आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट. पॉसिबल टू सेंड मनी एनीवेयर ड्यू टू ई मनी. द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मनी इनोवेशन एंड स्मार्ट ट्रांजैक्शंस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ई मनी. ई मनी इज अ मॉनिटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा. मतलब आप स्टोर भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो वैल्यू को इलेक्ट्रॉनिकली, और आप इसके लिए डिवाइसेस यूज करते हो, राइट. ये हम करते हैं, इसी को आपको बस एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली. ई मनी इज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ये बैक करती है, राइट. इट इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ग्लोबली, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ई मनी इज यूज्ड. डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टोर. मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ओके. जब भी आप इस तरह से अग्री डिसअग्री वाले स्टेटमेंट्स लिख रहे हो बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर जो आपका लास्ट पॉइंट होगा रीजनिंग का, दैट विल ऑलवेज बी जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया ना, बस वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट करना है. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहाँ पे? मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो एट द एंड भी आपने यही लिखा, देखो मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Answer the following questions on the basis of the following information. Ganesh traveled to the mall by bus. He gave conductor 10 rupee coin for the ticket. He purchased many commodities from the mall.
At the billing counter, he gave his credit card for payment. But the billing clerk informed him that only debit cards were accepted. Since Ganesh had forgotten his debit card at home, he offered to make payment by cash. Identify the types of money used in the information and explain any two of them. तो बताइए बच्चों अभी कौन से मनी यहाँ पे यूज हुआ है. फर्स्टली व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन द बस ही हैज गिवन अ कॉइन. कॉइन मतलब क्या है? मेटालिक कॉइन. ओके, मेटालिक कॉइन्स के जो अब हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टोकन कॉइन्स, राइट. नेक्स्ट उसने क्रेडिट कार्ड निकाला बट वो यूज नहीं हुआ. सो क्रेडिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी. एंड लास्ट ही ऑफर्ड टू मेक पेमेंट बाय कैश. कैश इज व्हाट? इट इज पेपर मनी, राइट. और अभी हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है किसी भी दो को. सो तीनों का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है बच्चों. आपको चाहिए वो दो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. टोकन कॉइन. टोकन कॉइन्स आर दोस हुज फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. ये जब हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी का लेक्चर देखा था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट व्हाई एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए फेस वैल्यू. ओके, फेस वैल्यू हैज टू बी हायर. These coins are made of cheaper materials like aluminium, nickel, etc. These coins are of lower denominations and are generally used for settling smaller transactions. So, जो coins होते हैं वो generally lower denomination के होते हैं ना. हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं coins are of lower denominations. Correct? In India, all coins in circulation today are token coins. Okay? Simple. Next, plastic money. On the background of global economy, cashless transactions gained importance. It resulted in the introduction of plastic money. Plastic money is easy to use in transactions due to advanced technology. Debit and credit cards are used as plastic money. Okay, तो आपको ये explain करना है कि वह plastic money क्या है, वो क्यों use होता है? Because easy to use है ना? And cashless transactions के वजह से इसका इजाद हुआ था, right? Debit card और credit card ये examples है plastic money के. And आपका last यहाँ पे है paper money. It consists of paper money issued by the government and Central Bank of India. Paper money was introduced as a substitute for metallic money. Yo, evolution of money mein humne dekha hua hai. In India, 1 rupee note and all coins are issued by the government of India. Currency notes of higher denominations are issued by the Central Bank. Ye aapko objective type mein bhi pucha ja sakta hai. You should know this, okay? जो 1 रुपी नोट और कॉइन्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है और बाकी जो सारे नोट्स होते हैं करेंसी नोट्स वो रिजर्व बैंक हमारा इशू करता है. ऑलराइट, इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है. वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बच्चों आई एम टेकिंग दीज एफर्ट्स टू एंश्योर दैट आपके सारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस भी आपको मैं एक्सप्लेन करूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो और आपके एग्जाम्स में आप फ्लाइंग कलर्स से पास हो जाए. अगर यू अप्रिशिएट दी एफर्ट्स डू हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप यू आर गोइंग थ्रू दी अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल. बच्चों चैनल के होम पेज पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है चैप्टर वाइज. डू गो एंड विजिट ऑल द लेक्चर्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.